अंडर 15,000 के फोन ढूंढा होगा तो अक्सर आपको ये दो चीजें काफी ज्यादा कॉमन देखने को मिलेंगी कि उसमें आपको 3,000 एमएच की बैटरी के साथ सिर्फ 2 GB या 3 GB की रैम ही देखने को मिलती है या सिर्फ 16 GB या 32 GB की रोम ही देखने को मिलती है। लेकिन आज मैं एक ऐसी डिवाइस लाया हूँ जिसमें आपको 5,000 बैटरी के साथ 64 GB मेमोरी देखने को मिल जाएगी, वो भी फ्रेंड्स। अगर आप ढूंढ रहे हैं फोन अंडर 15,000 काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ जो कि आपके फोन को काफी ज्यादा रिलायबल, काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन उसमें पाई जाए, तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी डिवाइस लाया हूं जो कि आपके लिए कमाल होने वाली है। कम मोबाइल का नाम और स्पेसिफिकेशन बताने से पहले जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट स्टार्ट। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में जो हमने मोबाइल रखा है वो आपको अंडर 15,000 देखने को मिल जाएगा इजीली किसी भी ऑफलाइन मार्केट से, काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मोबाइल का नाम बताया जाए तो ये आपको कैटल 1CE आपको देखने को मिलेगा जो कि कैटल का मोबाइल है। ये कंपनी पाकिस्तान में न्यू कंपनी है और काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है और काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन टेक्नोलॉजी इन्फिनिक्स को काफी ज्यादा अच्छा मुकाबला दे रही है, काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन है। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले की तरफ चले, डिस्प्ले में सबसे पहले आपको बता दें IPS LCD पैनल है, 720 HD रेजोल्यूशन आपको इसमें दी गई है। काफी ज्यादा अच्छी चीज है कि इसमें आपको HD रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है जो कि इस प्राइस रेंज में नॉर्मली बहुत ही कम मोबाइल डिवाइसेस देती हैं। अगर बात करें इसके साइज की तो 6.65 IPS LCD पैनल आपको इसमें देखने को मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है। बैक की बात की जो प्लास्टिक बैक और फ्रेम भी आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा। बैक में आपको टॉप लेफ्ट ट्रिपल कैमरा सेट है, फिंगरप्रिंट रेयर माउंटेड बैक में आपको देखने। और अगर डिस्प्ले वाइज बात की तो काफी ज्यादा अच्छा डिस्प्ले, HD रेजोल्यूशन इस प्राइस रेंज में काफी ज्यादा अच्छा टारगेट कर रही है मोबाइल को इंक्रीज करने में इसकी क्वालिटी को। नेक्स्ट बात की जाए इसके चिपसेट और सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर वाइज बात की जाए तो एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगी। बात करें हार्डवेयर की बात की जाए तो चिपसेट की बात करें तो इसमें आपको SC6893 का चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन ओवरऑल नॉर्मल यूजेज के लिए, डे टू डे यूजेज, डेली यूजेज के लिए काफी ज्यादा बेस्ट चिपसेट है। अगर आप गेमिंग के लिए मोबाइल ढूंढ रहे हैं अंडर 15,000 तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने बजट को थोड़ा सा इंक्रीज करके थोड़ा अच्छा लें क्योंकि जो अंडर 15,000 मोबाइल है वो गेमिंग के लिए बिल्कुल आपको प्रेफर नहीं किए जा रहे, ना ही आपको इतनी ज्यादा अच्छी गेमिंग करा दी। हाँ नॉर्मल ओवरऑल थोड़ी सी गेमिंग करा देंगे लेकिन अगर उस तरह आप गेमिंग परफेक्ट गेमिंग के लिए फोन ढूंढ रहे हैं तो आप अपना बजट तकरीबन 18-19 तक कीजिए ताकि आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस मिल सके। और इस प्राइस रेंज में ये डिवाइस और ये चिपसेट काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसमें जो बाकी स्पेसिफिकेशन दी जा रही है वो काफी ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट बात की जाए इसके वेरियंट की, तो वेरियंट की बात की जाए पाकिस्तानी मार्केट में आपको 4 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज देखने को मिल रही है जो कि काफी ज्यादा अच्छी वेरिएंट है। इसे अगर आप बड़ी रेम और रोम वाला मोबाइल ढूंढ रहे हैं अंडर 15,000 तो किस बात का वेट करें, जल्दी से डिवाइस को जाके बाय कीजिएगा। इसके अलावा अगर इसके कैमरास की बात की जाए तो कैमरास भी काफी ज्यादा बेस्ट दिए गए हैं। कैमरास की बात की जाए मेन सेंसर आपको बैक में 13 MP का दिया गया है जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। सेकेंडरी कैमरे की बात की जाए तो 5 MP का अल्ट्रा वाइड जबकि 2 MP का इसमें माइक्रो सेंसर देखिए। कोई भी कंपनी इस प्राइस रेंज में आपको अल्ट्रा वाइड नहीं दे रही लेकिन इसमें आपको 5 MP का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा अच्छी और अवेसन थिंग है। वो वाकई अल्कैटल के लिए अप्रिशिएटिव चीज भी है कि काफी ज्यादा अच्छी और मिड रेंज और एंट्री लेवल डिवाइसेस हैं, काफी ज्यादा इंक्रीज और काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी अपने मोबाइल। बाकी फ्रंट में तो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आपको 5 MP की फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाएगी जो कि वो भी काफी ज्यादा अच्छी चीज है। और कैमरा रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ये नहीं है कि बहुत ही बुरे कैमरे, काफी ज्यादा ओवरऑल नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए डिवाइस काफी ज्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट बात की जाए इसकी बैटरी की, तो बैटरी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी बैटरी में, उसी तरह आपको 5,000 mAh की बड़ी बैटरी को देखने को मिल जाएगी जिसका बैकअप तकरीबन 1 से 1.5 दिन आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी फास्ट चार्जिंग की तो इसमें आपको नॉर्मल चार्जर 10 W का ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात करें बैटरी की तो कोई भी कंपनी इस प्राइस रेंज में इतनी बड़ी बैटरी नहीं दे रही जो कि ये मोबाइल दे रहा है, काफी ज्यादा ओवरऑल एक अच्छी डील है। बात की जाए इसकी प्राइस की तो ऑनलाइन मार्केट में इसकी प्राइस 16,500 है लेकिन ऑफलाइन मार्केट में तकरीबन 14.5 तक ये डिवाइस आपको इजिली किसी भी ऑफलाइन स्टोर से देखने को मिल जाएगी या आपकी बार्गेनिंग प्राइस से ज्यादा भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन 14.5 तक इजीली ये डिवाइस आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगी क्योंकि काफी ज्यादा बेस्ट है। मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे लिहाज से अगर आप अंडर 15,000 एक बेस्ट डिवाइस ढूंढ रहे हैं तो ये डिवाइस बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा अच्छी डील रही है, हर तरह की स्पेसिफिकेशन के हवाले से काफी ज्यादा बेस्ट है। तो फ्रेंड ये थी आज कैसी लगी आपको ये वीडियो, उम्मीद है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप अंडर 15,000 मोबाइल ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा आसानी पैदा करेगी और इसी तरह की हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा। होप सो आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो किस चीज का वेट करें यार, फ्री है लाइक को लाजमी से करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।